नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगे बढ़ेंगे सुपर फास्ट 100 में, उससे पहले आइए बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर से झटका लगने वाला है। महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल अपने सहयोगियों के कार्यकर्ताओं के साथ वे भोपाल रवाना हो चुके हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंतर सिंह ने कहा कि कांग्रेस में अब कोई पूछने वाला नहीं है। जो है ना मेरा वो था, जब आपने सर्वे करा रहे हो तो फिर सर्वे का मतलब क्या है? आपने कैसे कैसे आदमी को टिकट दे दी जो 20 साल पहले पार्टी छोड़ के गया था और 20 दिन पहले आया और उसको आपने जिनसे हमने संघर्ष करा, हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करा, इस आदमी को टिकट दिया पर ये जवाब नहीं दे पाए कि आपने किस मानदंड से उसको टिकट दिया। चुनाव नहीं लड़ता, चुनाव लड़ने के बाद भी मैं 2 महीने 2.5 महीने से अभी रहा परंतु कोई ज़्यादा अप्रोच इन लोगों की हो नहीं पाई और मुझे ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि मेरा एक सपना है नर्मदा जी को लाने का। और बढ़ते आगे, इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी मात्रा में मिलावटी आइस कैंडीज बरामद की गई हैं, खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। तो कैंडी बनाने में आर्टिफिशियल मिठास का उपयोग हो रहा था और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। आर्टिफिशियल मिठास की खबर लगी और इसी पर खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी। 105 लीटर आइस कैंडी जब्त की गई और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते इस आइस कैंडी को यहां कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आइस कैंडी से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इंदौर में बड़ी मात्रा में मिलावटी आइस कैंडी बरामद हुई है। दरअसल आर्टिफिशियल मिठास का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इससे बच्चे जब इसका सेवन करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इसके चलते एक्शन लिया गया और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ये बड़ा खुलासा किया और अब आर्टिफिशियल मिठास का इस्तेमाल करके जो कैंडी बनाई जा रही थी उसको फिलहाल रोक दिया है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या कुछ एक्शन लिया गया, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, खाद्य विभाग की लगातार बड़ी कार्रवाई इंदौर में देखने को मिल रही है। खासतौर पर मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। अब ऐसी एक मामला सामने आया इंदौर में जहां पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बड़ी मात्रा में कई सौ लीटर जो केमिकल युक्त जो आर्टिफिशियल सामान होते हैं जिसका इस्तेमाल मिठास के लिए किया जाता है, उस केमिकल को जब्त किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गंभीर धाराओं में इसमें केस दर्ज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मिलावटखोरों के खिलाफ इंदौर का जो प्रशासन है सख्त भी नजर आ रहा है। इससे पहले जो मिलावटी जीरा है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी, कुछ दिन पहले मिलावटी तेल को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस बार जो कार्रवाई की गई है आइस कैंडी को लेकर किया गया है। बच्चे जिसका इस्तेमाल करते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, मिठास को ज्यादा बनाने के लिए आर्टिफिशियल जो केमिकल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और अब खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। फैक्ट्री को जहां पर बनाया जा रहा था उसे सील कर दिया गया है और गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में सुपरफास्ट 100 पर नजर डालते हैं।